अगस्त मंथ स्टार्ट हो चुका है और आप सभी एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि जुलाई मंथ में कितने लोगों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर स्विच कर लिया है, कौन सी कंपनी हुई टॉप लिस्ट में शामिल और किस कंपनी को हुआ भारी नुकसान। वहीं जुलाई मंथ में काफी सारी कंपनीज बहुत सारे ऑफर, स्कीम्स और डिस्काउंट लेकर आई, जिसके बाद कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा देखने को भी मिला। तो आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कंपनीज के बारे में जिन्होंने जुलाई मंथ में की है सबसे ज्यादा सेल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बेल आइकन दबाकर पावर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर हम नंबर 5 की बात करते हैं तो यहाँ पर है ओकिनावा। ओकिनावा कंपनी एक टाइम पर टॉप 1 हुआ करती थी, लेकिन आज टॉप 5 पर है क्योंकि कंपनी की सेल अभी काफी डाउन है। मई मंथ की अगर बात करते हैं तो कंपनी ने सेल आउट किए थे 2619 यूनिट, लेकिन जुलाई मंथ की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे सेल आउट किए 2043 यूनिट्स की, और मंथली ग्रोथ यहाँ पर ओकिनावा की चल रही है माइनस में, यानी -18%। यानी फेम टू रिवाइज होने के बाद ओकिनावा की सेल्स ज्यादातर डाउनफॉल में ही रही है लगातार 2-3 महीनों से। और लिस्ट में लास्ट मंथ की तरह ही चौथे नंबर पर है बजाज चेतक, जिसकी सेल की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट मंथ इन्होंने सेल आउट किए थे 3000 यूनिट, लेकिन जुलाई मंथ की यहाँ पर बात करते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे सेल आउट किए हैं 3912 यूनिट, यानी यहाँ पर 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। बात करते हैं थर्ड नंबर की, तो यहाँ पर है एथर एनर्जी, जिसने लास्ट मंथ सेल आउट किए थे 4500 यूनिट, और जुलाई मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने सेल आउट किए हैं 6198 यूनिट्स की, तो यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलती है जो कि है 34% की। और एथर का ये ग्रोइंग ग्राफ जो है बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इस मंथ कंपनी लेकर आ रही है अपना एक और अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450S। अब बात करते हैं नंबर 2 की, तो यहाँ पर इंडिया की ट्रस्टेड कंपनी जो सर्विसेज में भी बेस्ट है और साथ में क्वालिटी भी अच्छी प्रोवाइड करती है, वो है TVS इलेक्ट्रिक। TVS की लास्ट मंथ सेल थोड़ी डाउन देखी गई थी, वहीं कंपनी ने इस मंथ थोड़ा रिकवर किया है। लास्ट मंथ कंपनी ने सेल आउट किए थे 7856 यूनिट्स की, जुलाई मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिलती है 9599 यूनिट कंपनी ने सेल किए हैं, और यहाँ पर 22% की सीधी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। और आपको ये भी बता दें कि इस मंथ 23 अगस्त को TVS एक और न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आने वाला है, वो इलेक्ट्रिक बाइक भी हो सकती है और इलेक्ट्रिक स्कूटर भी हो सकता है, जो कहा जा रहा है कि बजट फ्रेंडली होने वाला है। और नंबर 1 की बात करते हैं तो काफी महीनों से यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक का कब्जा है। यस, तो ओला इलेक्ट्रिक ने लास्ट मंथ सेल आउट किए थे 17622 यूनिट की, और जुलाई मंथ की बात करते हैं तो 18333 यूनिट सेल आउट किए हैं जुलाई मंथ के अंदर। यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिलती है 4% की। यहाँ पर आप अगर यूनिट्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट TVS से भी डबल यूनिट कंपनी ने सेल आउट किए हैं, और लास्ट मंथ में ही कंपनी ने अपना अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 एयर को भी लॉन्च कर दिया है और अपने प्रीवियस मॉडल ओला S1 को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो अब देखते हैं कि इनकी सेल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सेल इंक्रीज होती है या फिर S1 मॉडल के डिसकंटिन्यू होने की वजह से सेल पर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना है तो इन टॉप 5 कंपनी में से आप किसको अपनी चॉइस बनाएंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए पावर टॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।